So hey there everyone, welcome back. So let's solve today's problem of the day, geek and strings. So a geek has a list li containing n words and q queries. So each query consists of a string x. So for each query we have to find how many ways find how many strings in the list li has the string x as its prefix, right? So for example, तो यहाँ जैसे हमारे पास क्या है, एक एक ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, एक ये वाला. तो जैसे ए बी आर है, हमने बेसिकली काउंट करना है, मींस कितनी स्ट्रिंग्स में वो एज अ परफिक्स प्रेजेंट है. सो यहाँ देखो, ये एज अ परफिक्स ए बी आर आ रहा है यहाँ पे, गीक्स फॉर गीक्स में नहीं आ रहा, ए बी आर यहाँ पे भी आ रहा है एंड और किसी में नहीं आ रहा, यहाँ तक एंड होगी. तो बेसिकली दो बार ही आ रहा है, ठीक है. सो विल प्रिंट एज अ टू फॉर दिस स्ट्रिंग, राइट. मीन्स ये दो बार ही आ रहा है एज अ परफिक्स इन द स्ट्रिंग्स इन अवर लिस्ट li. So now let's check for geeks if it is present as a prefix or not. So geeks यहाँ present है initially. So geeks यहाँ भी present है, ठीक है. This whole is a prefix. So geeks यहाँ भी present है, कितनी बार present है, तीन बार ही, ठीक है. So अभी देखते हैं geeks for geeks. So you can say geeks for geeks एक ही बार ही present है, right? So for this count is one. So now we'll check for GE. GE is present in this or not? No present. So here GE is present in starting, right? Count is 1. GE is also present here. Count is 2. GE also present here. Count is 3, right? So for GE we'll print 3. So now we'll check for GAR. So is GAR present as a prefix or not in any string? So you can see GAR not is present. GAR not present here, GAR not present here also, GAR not present here also and here also. So for this count is 0. So this will be our final answer, right? So simply brute force ho jayega ye easily. So what we'll do is we'll use our unordered map as a key value pair. So key will be of type string, key will be of type string, value will be of type integer. Means key is, hame pata hai key kya hota hai, कि मतलब कोई भी स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है, वैल्यू बेसिकली क्या डिनोट करेगी कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सो हियर इज अ वेरी इजी कोड. तो मैंने मैप लिया, ठीक है. सो हमने फोर लूप रन करी एंड हमने वन बाय वन स्ट्रिंग्स ली, ठीक है. उसको एस वेरिएबल में स्टोर कर लिया. जैसे ये हमारा एल आई वैक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, तो हमने पहले ये वाली स्ट्रिंग ली, फिर ये वाली, ऐसे, ठीक है. सो वन बाय वन हम स्ट्रिंग एस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है. सो मैंने क्या की, फोर लूप रन करी एंड हमने सारे प्रीफिक्सेस स्टोर कर लिए मैप में, ठीक है. जैसे एक पे ड्राई रन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये गीक्स है, ये स्मॉल है, ये वाली ले लेते हैं, जैसे गीक्स है, ठीक है. तो मैंने सारे प्रीफिक्सेस अपने अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर लिए, इसके सारे प्रीफिक्सेस. जैसे जी है, एक बार ही आ रहा है, फिर जीई, ठीक है, फिर जी ई ई, ठीक है, फिर अनदर प्रीफिक्सेस जी ई ई के, फिर जी ई ई के एस, ठीक है. ऐसे करके हमने सभी स्ट्रिंग्स में से, सभी स्ट्रिंग्स में हमने उसके प्रीफिक्सेस स्टोर कर लिए, राइट. और वो कितनी बार आ रहे हैं, तो अभी हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया टू रिटर्न अवर फाइनल आंसर. तो हम फोर लूप रन करेंगे हमारे सेकेंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन पे, क्वेरी पे, ठीक है. और हम चेक करेंगे जैसे फर्स्ट ए बी आर, वो कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है. उतनी बार हम काउंट कर लेंगे, सिंपली आई एम पुशिंग बैक फ्रॉम अनऑर्डर्ड मैप बाय चेकिंग. जैसे ए बी आर है, ठीक है, तो हमने जैसे इसके, हमने जैसे ये वाला है, इसमें हमने सारे प्रीफिक्सेस इसके स्टोर कर लिए, जैसे ए स्टोर कर लिया, एक बार ही आ रहा है, फिर ए बी, फिर ए बी आर, ठीक है. तो ये सर्च कर रहा है हमारे अनऑर्डर्ड मैप में, तो ए बी आर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, राइट. सो ऐसे ऐसे करके हमने सारे प्रीफिक्सेस स्टोर कर लिए पहले, ए बी आर ए. तो हमें पता है सर्च कितना टाइम लेती है, बिग ऑफ वन. अनऑर्डर्ड मैप में सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ वन. तो हमें कॉन्स्टेंट टाइम में वो सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, जैसे ए बी आर है, वो सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी इन कॉन्स्टेंट टाइम, कि वो कौन कौन की एज अ प्रीफिक्स वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है. सो इसमें हमें ए बी आर एक बार ही मिला. सो फिर वो गीक्स फोर गीक्स में देखेगा नहीं प्रेजेंट है. सो फिर ये वाली जो हमारी है, ये भी हमने स्टोर की हुई है अनऑर्डर्ड मैप में. जैसे ए स्टोर किया हुआ, एक बार ही आ रहा है,
फिर ए बी एक बार आ रहा है, फिर ए बी आर एक बार आ रहा है, ठीक है। फिर वो जब इस पे सर्च कर रहा है तो हमें फिर मिल गया ए बी आर, ठीक है, तो फिर काउंट प्लस प्लस कर देगा। तो सिंपली हमने ईच क्वेरी हमने चेक की, ठीक है, और हम हमारे वेक्टर में डाल दी कि वो कितनी बार आ रही है, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में चेक करके वो कितनी जितनी भी बार आ रही है सिंपली हमने वो काउंट कर ली सारी, ठीक है। सो फाइनली आई एम रिटर्निंग अ वेक्टर, सो ये वेक्टर में क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट जो भी हमने ट्राई रन किया था, ठीक है। जैसे ए बी आर है वो दो बार ही आ रहा है, एक बार ये वाली स्ट्रिंग में, एक बार ये वाली स्ट्रिंग में। फिर थ्री थ्री क्या डिनोट कर रहा है, जैसे गीक्स है वो कितनी स्ट्रिंग्स में एज अ परफिक्स प्रेजेंट है, तो एक बार तो इसमें गीक्स आ रहा है स्टार्टिंग में एज अ परफिक्स, एक बार यहाँ पे आ रहा है गीक्स, एक बार इसमें आ रहा है गीक्स, तीन बार ही आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे करके, सो इट्स अ वेरी सिंपल कोड, सो सिंपली आई एम यूजिंग दिस इनबिल्ट सबस्ट्रिंग फंक्शन, राइट। जो ये वाला होता है ये बेसिकली लेंथ डिनोट करता है हमारा जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। जो ये वाला होता है ये बेसिकली हमारी पोजीशन होती है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन जीरो एंड दिस इज लेंथ, राइट। सो वी हैव टू पैरामीटर्स एंड यहाँ हम सिंपली क्या पुश बैक कर रहे हैं डायरेक्टली कि कितनी बार वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है अपने मैप में, कितनी बार वो अपियर कर रही है, ठीक है। जैसे ए बी आर हमारी फर्स्ट थी क्वेरी में, तो हम सिंपली अपने मैप में चेक कर रहे हैं, तो ए बी आर हमारी मैप में कितनी बार आ रही थी, दो बार ही आ रही थी ना, एक बार इसमें ये वाली फर्स्ट स्ट्रिंग में, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली हम उसका काउंट यहाँ पे अपने वेक्टर में पुश बैक कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन सी हर इट्स अ सेम कोड, सो इट्स अ वर्किंग कोड, सो यू कैन सी हर सो वी आर गेटिंग द सिमिलर आउटपुट एज एक्सपेक्टेड। So if you still have any doubt, you can ask in the comment box and you can connect with me. My LinkedIn and Twitter handles are given in the description box. So stay tuned for more videos.